हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। टुडे वी विल स्टडी डीप वाटर फिक्शन थ्री ऑफ फ्लेमिंगो डीप वाटर। स्टूडेंट्स, बिफोर रीडिंग आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम एंड डूइंग योर वेल एंड कीप स्टडिंग। चैप्टर थ्री डीप वाटर रिटन बाय विलियम ओ डगलस। बिफोर रीडिंग द चैप्टर लेट्स नो अबाउट समथिंग अबाउट द ऑथर। विलियम डगलस वॉज बॉर्न इन मैने मिनेसोटा। After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this, means he got tired from his job and decided to pursue a legal career. Now he decided to move into a legal career job. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. It is that we can say that is a little bit important, that whom he met, because the name Franklin D. Roosevelt, he was the president. Next, Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remained the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from O Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ की बात करें तो इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट थिंग्स ये हो गई कि ये जो चैप्टर कहाँ से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया, ऑफ मेन एंड माउंटेन से लिया गया। किसके द्वारा लिखा गया? विलियम ओ डगलस द्वारा। इन दिस चैप्टर द राइटर टेल्स अबाउट हिज फीलिंग व्हेन ही वॉज ड्राइनिंग एंड व्हेन ही वॉज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड ऑफ वाटर एंड हाउ ही वुड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। बिफोर रीडिंग लेट स्टार्ट सम new words, some expressions for you, let's know about them. Treacherous means dangerous. If you have your notebook, note down these things in your notebook or in your book also. Treacherous means dangerous. Subdued my pride means conquered my pride. Flailed at the surface means thrashed strongly at the surface of the water. Fishing for landlocked salmon means to fish for freshwater salmon, an accident or a mishap. Next, misadventure means an accident or mishap. Fishing for land salmon means hota hai, iska means hota hai, to fish for fresh water. सलेमन नाम की फिश होती है, फ्रेश वाटर में मिलती है। नेक्स्ट, मिस एडवेंचर मीन्स होता है एन एक्सीडेंट और मिसहैप। नेक्स्ट, बॉब टू सरफेस लाइक ए कॉर्क, टू रेज टू द सरफेस एंड फ्लैट लाइक ए कॉर्क। कर्टन ऑफ लाइफ फेल मीन्स टू डाई और हैव अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, back and forth cross of pool, back and forth cross of pools means to swim from one side of the swimming of the pool or to the other, ek part se dusri taraf chale jana. Clear? Now let's start the chapter. It had happened when I was 10 or 11 years old. इट मीन्स इसका डर, पानी का डर की बात कर रहा है। ये कब से स्टार्ट हुआ? जब वह 10 और 11 ईयर्स ओल्ड था। आई डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। उसने स्टार्ट किया था स्विमिंग करना कहाँ पर? YMCA के अंदर, एक याकिमा, एक YMCA पूल है याकिमा शहर के अंदर, जो एग्जैक्टली उसे अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ पर स्विमिंग करने की। The Yakima River was treacherous. यहाँ पर Yakima River है, Yakima शहर है, उसमें एक Yakima River है, वह बड़ी ही treacherous है, बहुत ही dangerous है।
कैसे डेंजरस है देखें, मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट, मदर इसे हमेशा वॉर्न करती रहती है कि यू आर नॉट सपोज टू मूव याकिमा रिवर बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस, मैनी ड्रॉइनिंग केसेस हैज बीन हैपन देयर एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड दैट द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइनिंग इन द रिवर, उस रिवर में जितनी भी डूबने के केसेज हुए हैं उसकी मदर हमेशा उसके दिमाग में फ्रेश रखती है उन चीज़ों को. बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल सेफ था, इट वॉज ऑनली 2 or 3 feet डीप. कितना था ये? 2 or 3 feet डीप था. कहाँ पर था? एट द शैलो एंड. शैलो एंड का मतलब होता है जहाँ से पूल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पूल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पानी भरा हुआ है, यहाँ से 2-3 feet डीप है, ये शैलो एंड हो गया. फिर डीप एंड यहाँ आ जाएगा और ये क्या होगा, इसका जो ड्रॉप होता हुआ बड़ा है, थोड़ा सा ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअली होता है, नीचे की तरफ गिरता रहता है. इट वॉज ऑनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet एट द अदर, दूसरी तरफ कितना था? 9 feet ही था, 9 deep इतना गहरा था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मीन्स होता है धीरे धीरे होना, जैसे ओशन होता है, ओशन के अंदर भी जो ड्रॉप होता है वो एकदम नहीं होता, वह धीरे 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 गहरा होता जाता है ओशन, जबकि जो पौंड होते हैं वह अचानक से गहरे हो जाते हैं, ऐसे चलते सरफेस पे अचानक से गहरे हो गए, जबकि ओशन में क्या होता है धीरे 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 जाते हैं, कब हमें पता ही नहीं चलता कब हम गहरे पानी में चले गए. खैर ये कोई सा भी स्विमिंग पूल होगा उसमें जो ड्रॉप होगा इसी तरह से ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. वाटर विंग्स यहाँ पर कंधे पर लगाकर और पैरों पर लगाए जाते ताकि आदमी उसमें डूबे ना, उसने लगाए और वह पूल में चला गया. I had to walk nagged into it. Nagged into it means केवल और केवल shorts पहन के उसे अंदर जाना पसंद नहीं था, because show my skinny legs, क्योंकि उसकी टांगें बड़ी पतली थी और दुबला पतला था इसलिए उसकी टांगें पतली नजर आती थी. But I subdued my pride. लेकिन मुझे अपने प्राइड पर, अपने इस बात पर थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ा and did it, और मैं अंदर चला गया. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. जब मैं इसमें गया, ये beginning शुरुआत ही था, तब मैं गया, मुझे थोड़ा पानी से डर लगा. ये जो डर था, यहाँ पर इसने लाइन लिखी है, एक शब्द लिखा है. This जो शब्द किसके लिए आया है? ये इसके डर के लिए आया है कि किससे डरता है? Frightened, fear of water. फियर ऑफ वाटर, इसके जो डर जो था, ये जो दिस शब्द आया एग्जाम में, अगर ये लाइन दे देवर MCQs पूछ ले, ये दिस किसके लिए यूज हुआ है तो ध्यान रखना, ये दिस किसके लिए यूज हुआ है? फियर ऑफ वाटर के लिए यूज हुआ है. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old. जब मैं 3 या 4 साल का था तब ये पानी का डर स्टार्ट हुआ मेरे में. एंड कब हुआ? फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. कैसे स्टार्ट हुआ? इसके फादर इसे कैलिफोर्निया बीच पर लेके गए, फॉर कैलिफोर्निया, एंड ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. सर्फ का मतलब होता है जो लहरें आती है उसका जो झाग बनता रहता है उसको कहा गया है. आई हैंग ऑन टू हिम, मैं उस पर लटका हुआ था, मेरे फादर के पास में था ये. एंड येट द वेव नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. तभी अचानक एक बड़ी लहर आई या एक लहर आती, उस लहर ने इसको डुबो दिया और इस पानी इसके ऊपर आ गया तो ये डर गया. आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, ब्यूरिड मतलब गट गया अंदर, डूब गया अंदर, उस पर पानी ही पानी, उसके चेहरे पर पानी चला गया. माई ब्रीथ वॉज गॉन एंड आई वॉज फ्राइटन्ड. फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर ऑफ द वेव्स. उस वेव्स के फोर्स की वजह से वह जो थोड़ा डर था जो पानी का, उसके अंदर मन में बैठ गया. माई अब ये तो हो गई बैक वाली बात, अब ना माई इंट्रोडक्शन की बात करते. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज. रिवाइव्ड मतलब वापस लौट कर आना, अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर, और बचपन का डर जो था उस चाइल्डिश फियर जो था उसके स्टिल्ड कर दिया, उसे हिला दिया, उसे वापस शुरू कर दिया. बट इन द लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, फिर भी मैंने क्या, थोड़ा कॉन्फिडेंस इकट्ठा हुआ मेरे में, थोड़ा गैदर किया मैंने, कॉन्फिडेंस को लिया, मजबूत करा. एंड आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स एंड वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, मॉकिंग दैम, उनको देख देख कर नकल कर करके मैंने कोशिश करना शुरू किया, अपने विंग से पैरों को चलाना, हाथों को चलाना, पानी के पूल के किनारे बैठ कर यही किया करता था. आई डिड दिस 2 or 3 times.
इट एट दिस टाइम ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्टर. बात ध्यान रखना, इस समय इस पास इंस्ट्रक्टर नहीं था, कोई टीचर नहीं था. आई डिड दिस, उसने ये किया 2 or 3 times, 2 से 3 बार ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में. एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वॉटर, और अपने आप को फील करना शुरू किया पानी के अंदर, थोड़ा ईज करना, थोड़ा सा क्या रिलैक्स करना. ये कब तक करता रहा? When the misadventure happened, जब तक इसके साथ में कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया, मिसहैप नहीं हो गया. अपन ने शब्द पहले देखे थे, एडवेंचर मिसहैप मीन्स, एडवेंचर मीन्स मिसहैप या एन एक्सीडेंट जिसे कहते हैं. आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स देयर वॉज देयर. आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वॉज देयर, कोई नहीं था उस समय उस पूल पर. द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल. प्लेस एकदम शांत था, वाटर एकदम बिल्कुल स्थिर था. एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब. और नीचे का जो टाइल सरफेस था वैसा नजर आ रहा था, बिल्कुल साफ सुथरा सा एकदम टाइल्स नजर आ रही थी. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. टिमिड मीन्स फ्राइटन. ही वॉज फियर टू मूव अलोन इन द वाटर. उसने सोचा कोई आ जाए उसके साथ ही चलूँ मैं. And I so I sat on the side of the pool to wait for others. I had not been there long. Not been there long means hardly kuch minute hi baitha hoga wo. When in came a big brochure of a boy, bada sa hatta katta sa ladka wahan gaya. Probably 18 years old. Ho sakta hai lagbhag 18 saal ka raha ho. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन मतलब उसके टॉले शॉले शानदार नजर आने वाला एकदम मस्त बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा. विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. रिपलिंग मसल उभरे हुए मसल्स उसके थे. ही येल्ड है स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड. उसने चिल्ला कर कहा और दुबले पतले अगर मैं तुम्हें पानी में फेंक दूँ तो कैसा लगेगा. विद ही पिक्ड मी अप, ये कहते उसने मुझे पकड़ा. एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और गहरे पानी के अंदर फेंक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, स्वेलोड वाटर एंड वेंट वंस टू द बॉटम. सिटिंग पोजीशन यानी क्रॉस लेग में बैठा हुआ था ये, और उसी पोजीशन में नीचे बैठ गया, पानी के अंदर चला गया. नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एंड उसके मुंह में थोड़ा पानी भी चला जाता है. एंड वेंट टू द बॉटम, बॉटम की तरफ जा रहा था. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड विद आउट ऑफ माई वेट्स. मैं डर गया था, फिजिकली डर गया था, लेकिन माइंड से डरा हुआ नहीं था. उसने स्ट्रेटजी बनाना शुरू किया. नाउ लुक एट यर एंड सी यू एंड थिंग्स, रीड द थिंग्स हाउ विलियम ओ डगलस एक्सप्लेन इज फीलिंग ज्वाइनिंग द केसेस एटलीस्ट 3 times. ही डिसाइड ही ट्राइड टू मूव आउट फ्रॉम द वाटर ऑफ द वॉट ऑफ द पूल एटलीस्ट 3 times एंड 3 times ही वॉज ज्वाइनिंग इन दिट. क्या करता है, किस तरीके से लिखता, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स लिखी हुई इसने. ऑन द वे डाउन आई प्लांट, जब वह डूब रहा था इसने प्लान बनाया. द ड्राउनिंग वेन, जब पानी में कोई डूबता है ड्राउनिंग टाइम, उसमें हार्डली 2 or 3 minutes लगते हैं अंदर. लेकिन जो इस तरीके से इसने एक्सप्रेशन लिखे हैं, जैसे ऐसा लग रहा हो मान लो इसको घंटों लगे हों. केम टू द सरफेस अ ले फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. सॉरी, ऑन द वे डाउन आई प्लांट वेन माई फीट हिट द बॉटम. इसने प्लान बनाया, जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे आई वुड मेक ए बिग जम्प, मैं तेजी से ऊपर उछल कर आऊँगा. कैम टू द सरफेस एंड ले फ्लैट, और वहाँ पर लेट जाऊँगा वो सरफेस पर लेटते हुए, और पैडलिंग करते हुए पूल के किनारे तक आ जाऊँ. ये स्ट्रेटजी उसने अपने दिमाग में बना ली. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत, जब ये बना तो ली उसने, जब वह डूब रहा था तो उसको ये जो जो जाने का जो प्रोसेस था बहुत ही क्या तक लग रहा था, बहुत ही गहरा लग रहा था. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, लगभग 90 feet जैसे लग रहे थे. बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. और जब वह बॉटम को टच करने की पोजिशन में था तब तक उसको ऐसा लग रहा था सांस नहीं लेने के सफोकेशन की वजह से उसके लंग्स फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे. बट When my feet hit bottom, जब उसने अपने bottom को छुआ feet को, I summoned all my strength, means gathered all its strength and made what I thought, जो उसने सोचा उसी को उसने किया, was a great spring upwards, और ऊपर की तरफ उछल गया. I imagined
I would bob to the surface like a cock. इसने इमेजिन किया कि मैं कॉर्क की तरह ऊपर उछल कर आ जाऊंगा और एकदम लेट जाऊंगा. Instead, I came up slowly. इसकी जगह मैं slowly, slowly ऊपर आया, बहुत धीरे आया. I opened my eyes and saw nothing. मैंने अपनी आंखें खोली और कुछ नहीं देखा मैंने. But water, और क्या देखा? केवल पानी ही पानी देखा. Water that a hard, dirty, yellow things, yellow ting to it. चारों तरफ गंदा सा येलोइश वाटर देखा. आई ग्रू पैनिकी, मैं डर गया. आई रीज्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉप एंड माई हैंड्स क्लोज्ड ओनली एट वाटर. ग्रैब, उसने कोशिश किया पकड़ने की, शायद उसको रॉप आ जाए उसके हाथ में, लेकिन क्या आया? पानी ही आया. आई वॉज सफोकेटिंग, मेरी सांसें फूल रही थी. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट. मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ. केवल यहाँ का सरफेस उसके ऊपर आया, आईज और नोज केवल, माउथ अंदर अभी भी पानी के अंदर ही था. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर. फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर मीन्स थ्रैज स्ट्रांगली एट द सरफेस ऑफ द वाटर. स्वेलोड एंड चॉक्ड, मुँह में पानी चला गया और गला चौक हो गया. I tried to bring my legs up. इसने कोशिश की अपनी टांगे ऊपर लाने की. And but they hang as dead weights. और उनके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे वेट के कारण मरे हों, मर जाते हैं जब जो पैरों में जो वेट होता है उस तरीके से इसके पैर लग रहे थे. इतने पैरालाइज हो गए थे. पैरालाइज एंड रिजिड, बहुत ही कठोर और पैरालाइज हो गए. A great force was pulling me under. एक भयानक फोर्स मुझे नीचे खींच रहा था. आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली वाटर हियर मी. केवल कौन सुन पा रहा था मुझे? वाटर सुन पा रहा था. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. सेकेंड टाइम स्टार्ट हो गया ऐसे, अब बस वही लॉन्ग जर्नी नीचे जाने की. क्लियर? आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ as one in a nightmare fights an irresistible force. I struck at the water. I went down. और उसे बुरे सपने के जैसा लग रहा था, यार ये सपना देख रहा है. Irresistible force, जिसे जीत ना सके, ऐसा force उसके ऊपर लगा हुआ था और ये अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा था. ऐसा लग रहा, मान लो सपना अब टूटेगा, अब टूटेगा, ऐसा एहसास हुआ. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सारी सांसें खो दी. माई लंग्स एक्ट, इसके जो जो लंग्स थे वो दर्द होना शुरू हो गए. माई हैड थ्रॉब्ड, इसकी जो हेड था वो थ्रॉबिंग करना शुरू हो गया. आई वॉज गेटिंग डिजी, जैसे चक्कर आना शुरू हो गए. बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम कम लाइक ए कॉक टू द सर्फेस. उसको स्ट्रेटजी उसको बिल्कुल याद थी कि मैं क्या करूँगा, उछलूंगा ऊपर तक आऊँगा और सरफेस पर कॉर्क की तरह चलूँगा. आई वुड ले फ्लैट ऑन द वाटर, उस वाटर के ऊपर मैं फ्लैट हो जाऊँगा. एंड स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने आर्म्स के साथ मैं उछलूँगा मैं. एंड फ्रेज विद माई लेग्स, और अपने पैरों से पटकते हुए मैं निकल जाऊँगा. देन आई वुड गेट टू द एज, और वापस उस किनारे आ जाऊँगा. ऑफ द पूल बी सेफ. क्लियर? जो पहले स्ट्रेटेजी इसने बनी थी उसी स्ट्रेटेजी पर किसने सोचा कि मैं कायम रहूँगा. आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया. एंडलेसली, बिना रुके. आई ओपनड माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. कोई नहीं देख सकता था, इतना सब कुछ हो रहा था उसमें. मतलब कैसा था पानी? बिल्कुल येलो. एंड देन शीर स्टॉक टेरर साइज्ड मी, भयानक डर ने से जकड़ लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझता. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर किसी कंट्रोल पे नहीं रहता. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, टेरर किसी को नहीं समझता. हु हैज एन एक्सपीरियंस इट, कि उसे इसको एक्सपीरियंस है तो कम से कम इसको तो डरा दूं, इसको एक्सपीरियंस नहीं इसको ना डराऊं, ऐसा नहीं होता. आई वॉज स्ट्राइकिंग अंडर वाटर, चीख रहा था. आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिव रिजिड विथ फियर, डर के मारे पैरालाइज हो गया, कठोर हो गया. Even the screams in my throat were frozen. मेरे गले की जो चिल्लाहट थी वह भी फ्रोज हो गई, एकदम जम गई. Only my heart, मेरा जो हार्ट था. And the pounding in my head, और मेरे जो सिर की जो धक धक जो थी, said that I was still alive. मैं अभी भी जिंदा था. I am still alive.
यस को एहसास हो रहा था. एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. तभी अचानक जो टच नीचे मिडस्ट पे आया सो टच हुआ, उसे एकदम रीजन मिला, एकदम टच ऑफ रीजन आया उसके अंदर. आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प, उसे अचानक याद है मुझे उछलना है. वेन आई हिट द बॉटम, मैं इसे बॉटम को टच करूँगा. एट लास्ट आई फेल्ट दैट टाइल्स अंडर मी, तभी मेरे पैरों पे नीचे उसको एहसास हुआ. माई टोज रीज्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, मेरे टोज ने नीचे उस जैसे उसको टाइल्स को पकड़ा टच किया, उसे ऐसा लगा उसे ग्रैब कर लेगा. आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, जो भी स्ट्रेंथ थी मैंने उसे जम्प किया ऊपर. बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जम्प में वो वाला नहीं था जैसे पहले मैंने जंप किया, ऐसा कैसा ही था, कोई डिफरेंस नहीं था. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड, मेरे चारों तरफ अभी भी पानी था. आई लुक्ड फॉर योर रॉप्स, मैंने रॉप के लिए देखा, लैडर्स के लिए देखा, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, अ मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, भयानक मैस वाटर ने, येलो वाटर ने मुझे हेल्ड पकड़ के रख लिया. स्टार्क टेरर टुक एंड इवर डीपर होल्ड ऑन मी, अंदर से भयानक डर बिठा दिया अंदर. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई शूक एंड ट्रम्बल्ड विथ फ्राइट, एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसा उसको डर लग रहा था. आई शूक, मैं कांप गया एंड ट्रम्बल्ड, कांपने लग गया विथ फ्राइट डर के मारे. माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे. माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ अ येलो awful yellow water, at least my eyes were, my nose was almost out. तब थोड़ी सी लाइट, स्ट्रेंजली थोड़ी सी लाइट मुझे नजर आई, मेरी नोज और मेरी आईज उस वाटर से बाहर थी, ऑलमोस्ट लगभग बाहर. सो स्टूडेंट वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर, दिस नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कंप्लीट दैट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. Stay home, stay safe, and keep studying. Keep watching Dinesh Sir English video. Thank you and have a nice day.